हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से शुरू हुआ बायकॉट बॉलीवुड ये ट्रेंड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और इसी ट्रेंड के चलते खाली पीली कूली नंबर वन और गहराइया जैसी कई फिल्मों के प्रदर्शन और कमाई पर गहरा असर पड़ा। इसके अलावा जैसी कोई स्टार किड या फिर किसी भी धर्म विशेष पर टिप्पणी करने वाली फिल्म अनाउंस होती है या फिर रिलीज होती है, वैसी ये ट्रेंड एक बार फिर शुरू हो जाता है। हाल ही में रिलीज हुआ और अनाउंस हुई कुछ फिल्मों को लेकर ये एक बार फिर से ट्रेंडिंग हुआ। तो जानते हैं कौन कौन सी वो फिल्में हैं जिन्हें बॉलीवुड बायकॉट का सामना करना पड़ा और क्या है ऐसा कुछ इसमें। नंबर वन पे है शमशेरा। रणबीर कपूर और संजय दत्त स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ, और जब से ये ट्रेलर रिलीज हुआ है तभी से इसमें दिखाए गए संजय दत्त के किरदार क्रूड जेलर सुशांत सिंह के लुक को लेकर विरोध जारी है। कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ये किरदार एक धर्म विशेष को विलन की तरह पेश करता है। बता दें कि फिल्म में संजय दत्त का किरदार त्रिपुण तिलक और शिखा में नजर आ रहा है, जबकि हीरो शमशेरा को धर्म से आजाद बताया जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इस फिल्म को KGF की कॉपी और रणबीर के लुक को सुपरस्टार यश के लुक की कॉपी बता रहे हैं। नंबर टू है पठान। सुशांत के निधन के बाद से ही सोशल मीडिया यूजर्स ने ये मांग उठाई थी कि बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार्स को बायकॉट किया जाए और थिएटर एक्टर्स को हीरो माना जाए। उसके बाद से ही सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे एक्टर्स को कुछ यूजर्स निशाने पर लेते हैं। जैसे इन एक्टर्स की कोई फिल्म रिलीज होती है, कोई फिल्म की अनाउंसमेंट होती है, उसके साथ ही बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड होना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में रिलीज हुई पठान के पोस्टर में शाहरुख खान बाजू पर ताबीज पहने हुए नजर आए। ऐसे में यूजर शमशेरा का हवाला देकर कह रहे हैं कि बॉलीवुड में एक धर्म विशेष के शख्स को विलन और एक धर्म विशेष के शख्स को हीरो दिखाया जा रहा है। नंबर थ्री, जुग जुग जियो। वरुण धवन, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर और नीतू कपूर स्टारर इस फिल्म का विरोध करने के लिए सोशल मीडिया यूजर्स ने दो वजह बताई। पहला कारण ये तो करण जौहर की फिल्म, जिनका सुशांत के निधन के बाद से लगातार विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा उन पर कई अक्सर स्टार किड को प्रमोट करने का भी आरोप लगाया गया। वहीं दूसरी वजह है खुद वरुण धवन, जिन्हें सोशल मीडिया पर आए दिन उनके स्टार किड होने के चलते ओवर एक्टिंग करने वाले एक्टर कहा जाता है। नंबर फोर, ब्रह्मास्त्र। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट स्टारर ये फिल्म सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर है। एक तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों ही स्टार किड्स हैं। ऐसे में कुछ यूजर्स इसे नेपोटिज्म वाली फिल्म बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फिल्म के एक सीन में रणबीर कपूर जूते पहनकर मंदिर में घंटी बजाते नजर आए। इसके चलते भी कुछ धर्म विशेष के लोग इस फिल्म का बायकॉट कर रहे हैं। नंबर फाइव, लाल सिंह चड्ढा। वेल, मैं खुद इस फिल्म को बायकॉट करने की मांग करता हूं, क्योंकि जिस तरह से आमिर खान देश के खिलाफ या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ या ऐसी बहुत सी बयानबाजी करते रहते हैं जिसकी वजह से हमें काफी ठेस पहुंचती है। पीके उनकी फिल्म रिलीज हुई, उसमें भी बहुत कुछ ऐसा हिंदुओं के खिलाफ दिखाया गया। कभी भी उन्होंने अपनी जाति के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं कही, कभी उन पर ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाई, और हर बार देखा गया कि उनकी फिल्मों में हिंदू विरोधी चीजें होती हैं और ये चीज गलत है। आमिर खान और करीना कपूर खान स्टारर फिल्म का बायकॉट किए जाने की भी कई वजह है। सबसे पहली वजह तो पूर्व में दिए गए कुछ बयानों की वजह से सुपरस्टार आमिर खान को सोशल मीडिया यूजर्स हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ करीना ने भी जब दर्शकों को लेकर ये बयान दिया कि मैं आपको अपनी फिल्म देखने के लिए नहीं बुलाती, आप खुद आते हैं, तभी से उनका विरोध किया जा रहा है, और सच में ये गलत है। मैं खुद #बायकॉट लाल सिंह चड्ढा का ट्रेंड शुरू करने वाला हूँ ट्विटर पर। वेल, ये जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ ये मेरी अपनी है, मेरी खुद की स्क्रिप्ट है, ये मेरी फीलिंग्स है, क्योंकि मुझे ऐसी किसी भी फिल्म को नहीं देखना है जिसमें ऐसे एक्टर्स काम कर रहे हो और ऐसा उनका अप्रोच हो। वेल, आपको क्या कहना है इन फिल्मों के बारे में, इन बायकॉट बॉलीवुड फिल्म्स के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।